हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिसमें हम ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से प्लांट का ओरिजिन होता है, उसके बाद उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती हैं और किस तरीके से नई जनरेशन की स्टार्टिंग होती है। तो ये सब हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, द ब्रायोफाइट्स हैव इवॉल्व्ड ए लाइफ साइकिल विच कंप्राइजेस टू फेज, कि ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दो फेजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट है गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। तो किसी भी ब्रायोफाइट में हम देखेंगे तो उसमें दो फेज मिलेगी, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि एक फेज जो गैमेट से ओरिजिनेट हुई है, जो कि गैमेट बनाती है। गैमेटोफाइट से मतलब है कि जो गैमेट का फॉर्मेशन करती है, तो इसके ऊपर सेक्सुअल ऑर्गन्स बनेंगे या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा और ये गैमेट का फॉर्मेशन करती है। जो गैमेटोफाइट फेज होती है प्लांट की, जो या गैमेटोफाइटिक जो थैलस होता है वो हैप्लॉइड होता है। जबकि जो दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक का मतलब है जब ये स्पोरोफाइट होता है जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और यह है डिप्लॉइड फेज होती है। गैमेटोफाइट इज ग्रीन, लॉन्ग लिव्ड, फ्रीली ब्रांच्ड एंड इंडिपेंडेंट। जो गैमेटोफाइट होता है वो ग्रीन होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक जीवित रहता है, फ्रीली ब्रांच रहता है, इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है और इंडिपेंडेंट होता है। अब इसमें हम फर्स्ट देखते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज ग्रीन, इंडिपेंडेंट, लॉन्ग लिव्ड एंड हैप्लॉइड जनरेशन। तो ये ग्रीन कलर का होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मतलब है कि न्यूट्रिशन के लिए इसे किसी और पर डिपेंड नहीं करना। इसकी प्रत्येक कोशिका या हर सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे कि खुद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और इसलिए इंडिपेंडेंट होता है। लॉन्ग लिव्ड, खुद इंडिपेंडेंट है तो इसलिए लॉन्ग लिव्ड होता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक जीवित रहता है, और यह हैप्लॉइड होता है, जो इसमें कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो हैप्लॉइड होता है, मतलब सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर दो होते हैं तो उसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सिंगल मिलता है, एक क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी ही प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम हैप्लॉइड जनरेशन कहते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी, दे आर प्रिमिटिव लैंड ड्वेलर्स। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सबसे प्रिमिटिव लैंड ड्वेलर्स हैं। लैंड ड्वेलर से मतलब कि जो सबसे पहले ज़मीन पे उगने वाले पादप थे, तो ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के लैंड ड्वेलर्स हैं। और इफ़ यू आर एक्वेटिक, कुछ इसमें एक्वेटिक भी पाए जाते हैं, जिनके एग्जांपल है राइलिया एंड रिक्सियो कार्पस, ये इसके एग्जांपल हैं। तो नॉर्मली क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव लैंड ड्वेलर हैं, ज़मीन पर मिलते हैं, लेकिन कुछ प्लांट इसके एक्वेटिक भी हैं, जैसे राइलिया और रिक्सियो कार्पस। द प्लांट बॉडी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन कॉम्प्लेक्स एल्गा। जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स एल्गी के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि जो एल्गी है वो ब्रायोफाइट्स से भी ज़्यादा प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, जो कि केवल सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई किया और यह टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी ग्रो करने लगे, तो इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलते हैं। प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स, जितने भी ब्रायोफाइट हैं उनके जो गैमेटोफाइट मिलेंगे उनकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, थैलस लाइक होगी, थैलोइड प्लांट बॉडी होती है। और प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब ज़मीन के ऊपर फैली हुई रहती है, तो इसे हम प्रोस्ट्रेट कहेंगे। इसके बाद है, इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय डेलिकेट यूनिसेलुलर हेयर लाइक राइजोइड। जो ये राइजोइड, जो गैमेटोफाइट होता है, वो ज़मीन से या किसी भी सबस्ट्रेटम या किसी भी आधार से एक यूनिसेलुलर हेयर लाइक राइजोइड के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके लिए अटैचमेंट ऑर्गन का काम करते हैं राइजोइड। इसके अलावा राइजोइड का क्या काम हो जाएगा कि जो सॉइल में जो मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो राइजोइड्स के थ्रू होता है। इन सम ब्रायोफाइट्स द
thallus is differentiated into leaf and stem, they are advanced bryophyte. अब जो primitive bryophytes होते हैं वो तो कैसे होंगे, diffused type के होंगे, prostrate, ज़मीन के ऊपर फैले हुए. लेकिन जैसे जैसे अब bryophytes में भी higher bryophytes की तरफ हम जाते हैं, जो advanced type के bryophytes हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं जो bryophyte का जो plant body या gametophyte है वो leaf और stem में differentiated होता है. मतलब लीफ और स्टेम बड़े प्लांट्स जैसे जैसे एंजियोस्पर्म है उनकी तरह नहीं मिलता इसमें, लेकिन जो थैलस है वो ही लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. इन लीफी ब्रायोफाइट्स लीव्स आर अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ प्लांट. और जो लीफी ब्रायोफाइट्स होते हैं जो कि एडवांस टाइप के होते हैं, इनमें जो लीव्स होती हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वो प्लांट की सेंट्रल एक्सिस से जुड़ी हुई रहती है. प्लांट की सेंट्रल एक्सिस से मतलब जिससे कि वो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तो उस पे ये जुड़ी हुई रहेगी. इसके बाद देखते हैं लीफी ब्रायोफाइट्स हैव मल्टी सेलुलर राइजोइड्स. जो लीफी ब्रायोफाइट्स होते हैं जो हायर होंगे उनमें मल्टी सेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं, जबकि जो प्रिमिटिव टाइप के लैंड ड्वेलर्स हैं या प्रिमिटिव टाइप के ब्रायोफाइट हैं उनमें यूनिसेलुलर हेयर लाइक राइजोइड्स हैं, जबकि लीफी ब्रायोफाइट्स में एडवांस होने के कारण मल्टी सेलुलर राइजोइड यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं. फिर है दे लैक वैस्कुलर सिस्टम. और जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें वैस्कुलर सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, क्योंकि इनके जो पूरी जो प्लांट की सरफेस होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की प्रोसेस भी होती है, तो इसलिए इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं. फिर इसके बाद हम देखते हैं गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड एंड दे डेवलप हैप्लोइड गैमेट, सो दे आर कॉल्ड गैमेटोफाइट. तो अब हम ये देखते हैं इनको गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं. जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लोइड होती है, और इसके अलावा ये हैप्लोइड गैमिट डेवलप करते हैं, तो इसलिए इसको हम गैमिटोफाइट भी कहते हैं. अब इसके बाद देखते हैं गैमिटोफाइट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो गैमिटोफाइट प्लांट होता है वो किससे रिप्रोड्यूस होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्योंकि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इस टाइप से बनाएंगे और फिर उनके आपस में फ्यूज़न होगा. तो इस तरीके से इसमें गैमिटोफाइट प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. फिर इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ मोस्ट कॉन्स्पिकस फेज इन लाइफ साइकिल. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सबसे मुख्य फेज होती है इसमें. अब नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइट्स में होता है वो हाईली उगेमस टाइप का होता है. उगेमस का मतलब हो गया कि जो मेल गैमिट है वो साइज में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, जिसे कि हम एग कहते हैं, और जो मेल गैमिट है वो मोटाइल होता है और साथ में उसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है. तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम उगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं, और जैकेटेड, उनके ऊपर एक जैकेट लाइक स्ट्रक्चर या एक आवरण पाया जाता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. फिर उसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया कहलाती है. तो इस तरीके से एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, एंथ्रीडियम तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब यहाँ पे टर्म देखा जाता है मोनोइशियस एंड डायोइशियस. तो मोनोइशियस का मतलब होता है बोथ काइंड ऑफ सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन सेम थैलस. जब एक ही थैलस के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम भी और आर्किगोनियम भी दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं मोनोइशियस. एक थैलस पर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं. डायोइशियस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन डिफरेंट प्लांट, कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जब डिफरेंट प्लांट पर ग्रो करते हैं तो उसको डायोइशियस कहते हैं. डिफरेंट प्लांट या अलग अलग थैलस पर,
जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो इसको हम डायोशियस कहते हैं। तो इस तरीके की दो कंडीशन यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में देखी जाती है। मोनोइशियस थैलस आर कंसीडर्ड प्रिमिटिव एंड डायोशियस आर एडवांस्ड। जो मोनोइशियस होते हैं उनको तो प्रिमिटिव कंसीडर किया जाता है कि एक ही थैलस के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, और जो डायोशियस है कि अलग अलग प्लांट पे अलग अलग सेक्स ऑर्गन हैं, तो उसको एडवांस्ड माना जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक बॉल शेप्ड या एलिप्सॉइडल होती है, जिसमें कि सबसे बाहर हमें ये जैकेट दिखाई दे रही है, एंथ्रीडियल वॉल ऑफ जैकेट। इसके अंदर एंड्रोसाइट्स होते हैं और ये इसका स्टॉक होता है, और ये जो है ये गैमेटोफिटिक थैलस होता है। तो इसमें हम देखते हैं एंथ्रीडियम इज मल्टी सेलुलर एलिप्सॉइडल और क्लब शेप्ड। जो एंथ्रीडियम की शेप होती है वो मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, एलिप्सॉइडल या क्लब शेप्ड होता है। इट इज़ बॉर्न ऑन ए शॉर्ट स्टॉक, एक छोटे स्टॉक पर ग्रो करेगा, और जो कि गैमेटोफिटिक थैलस से यह जुड़ा हुआ रहता है। इट इज़ बॉर्न ऑन ए शॉर्ट स्टॉक अटैच टू द गैमेटोफाइट टिश्यू। एंथ्रीडियम हैज़ ए सिंगल स्टराइल लेयर। जो एंथ्रीडियम होती है इसके चारों ओर सिर्फ एक सिंगल स्टराइल लेयर होती है जो इसे प्रोटेक्ट करती है जैकेट के, और बाकी सारा ये अंदर से फर्टाइल होता है, जिसमें एंड्रोसाइट मदर सेल्स पाई जाती हैं जो आके एंड्रोसाइट बनाती हैं। स्टराइल लेयर सराउंड द मास ऑफ फर्टाइल सेल्स विच इज़ कॉल्ड एंड्रोसाइट। अब जो स्टराइल लेयर है उसके अंदर एंड्रोसाइट्स पाई जाती हैं। एंड्रोसाइट्स डेवलप इनटू बायफ्लैजेलेटेड मोटाइल गैमेट विच इज़ नॉन एज ए एंथ्रोजॉइड और स्पर्म। अब जो एंथ्रोसाइट्स होती हैं ये आगे जा कर के एक एंथ्रोजॉइड या मेल गैमेट या स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। एंथ्रोजॉइड है जो मेल गैमेट कहलाएगा, और यह बाइफ्लैजेलेटेड होता है, मोटाइल होता है, कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, दो फ्लैजिला। ब्रायोफाइट्स के जितने भी एंथ्रोजॉइड होते हैं उनमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेवरल एंथ्रोजॉइड्स आर फॉर्म इन एंथ्रीडिया। अब जो एंथ्रीडिया उसके अंदर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रोजॉइड्स आर मोटाइल स्ट्रक्चर, मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एंड ईच स्पर्म कंसिस्ट लॉन्ग टर्मिनल विप्लैश फ्लैजिला। और जितने भी स्पर्म या एंथ्रोजॉइड हैं इनमें टर्मिनल, मतलब कि इसकी जो लास्ट पोजिशन होती है टर्मिनल पोजीशन पर, विप्लैश फ्लैजिला पाया जाता है। थैंक यू।